हेलो गाइस, टॉकिंग गूगल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वांकानेर धनसरा मालिया मियाना इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। चलो शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट वांकानेर जंक्शन से धनसरा होते हुए मालिया मियाना रेलवे स्टेशन तक का है। और अगर हम बात करें इस रेलवे लाइन की लेंथ के बारे में, तो इस रेलवे लाइन की लेंथ 79 किलोमीटर की है। अब हम बात कर लेते हैं वांकानेर जंक्शन के बारे में। वांकानेर जंक्शन एक डबल प्लस इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन। और अगर हम बात करें मालिया मियाना जंक्शन की, तो मालिया मियाना जंक्शन भी डबल प्लस इलेक्ट्रिफाइड अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये रेलवे लाइन गुजरात स्टेट में पड़ती है। और अगर हम बात करें वांकानेर जंक्शन के बारे में, तो वांकानेर जंक्शन डिस्ट्रिक्ट राजकोट में आता है। और अगर हम बात करें धनसरा रेलवे स्टेशन की, तो धनसरा रेलवे स्टेशन डिस्ट्रिक्ट मोरबी में आता है। और अगर हम बात करें मालिया मियाना जंक्शन की, तो मालिया मियाना जंक्शन भी डिस्ट्रिक्ट मोरबी में आता है गुजरात स्टेट में। वांकानेर मालिया मियाना रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफाइड हो जाने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अगर हम बात करें इस रेलवे लाइन के जोन के बारे में, इस रेलवे लाइन का जोन वेस्टर्न रेलवे जोन है। अगर हम बात करें इस रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन के काम के बारे में, मैं आप लोग को बता देता हूं कि इस रेलवे लाइन का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रिफिकेशन का। और हर एक न्यू अपडेट जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा। इस 79 किलोमीटर रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफाइड हो जाने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद इस रेलवे लाइन पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दौड़ेंगे, जिससे कि ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ेगी और लोग कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकेंगे। और ये रेलवे लाइन सिंगल इलेक्ट्रिफाइड की जा रही है। अगर हम बात करें इस रेलवे लाइन के टारगेट के बारे में, मैं आप लोग को बता देता हूं कि रेलवे की तरफ से अभी तक इस प्रोजेक्ट का टारगेट नहीं बताया गया, और जब कभी भी रेलवे इसके बारे में बताएगा तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वांकानेर धनसरा मालिया मियाना सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, आप लोग का फेवरेट चैनल टॉकिंग दुग्गल, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हर एक न्यू अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।